सुना तेरा वहां भी बोले बहत्तर चौहत्तर सौ के आसपास मैं मतदाता हूँ और इन चौहत्तर सौ मतदाता के बीच में मैं उतरा हूँ। क्या क्या इन मुद्दों को लेकर आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता के बीच में किन मुद्दों के लिए आप उतरेंगे? सबसे मेन मुद्दा तो यही है, सड़क का है, लाइट है, बिजली है, पानी है और जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ जनता के लिए आएगा वो लाके मैं बीच में जनता के रखूंगा। चार रुपये में विधवा पेंशन हो, सरकारी आवास हो, जो भी हो वो मैं अपनी जनता तक पहुँचाऊँगा। जैसे कि अभी क्षेत्र में आप गए जहाँ ये भीड़ आपके साथ चल रही थी, क्या वो क्षेत्र की भीड़ आपके लिए वोट नहीं देने की अपील होगी? इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 76 इंग्लिश गंज लगता है। यहाँ पर इंग्लिश गंज से जो खड़े हुए हैं हनीस खान जी खड़े हुए हैं और ये जनता के जो पार्षद चुनने के बाद जनता को क्या सहयोग देंगे और क्षेत्र में क्या विकास का कार्य करेंगे, ये एक समाज सेवी भी है, लोगों से जानकारी होने पर पता चला है और अच्छा काम करा है, मगर आज जमीनी स्तर पे हम बताएंगे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेकर कि क्षेत्र में जनता इनके साथ जुड़ेगी या ये जनता जो साथ में दिख रही है ये वोट में तब्दील होगी। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में खड़े हुए हैं और क्या मुद्दे हैं आपके जनता को चुनाव जीतने के बाद देंगे? मैं मुद्दे जो है आज तक करीब मौजूद है इंग्लिश गंज में वार्ड नंबर 76 पड़ता है, यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं हनीस खान जी। जनता से जानकारी लेंगे कि जनता इनके प्रति कितना जागरूक है और जनता इनको इस वोट पे तब्दील करेगी। जिस तरह से जनता के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है, जितनी भारी भीड़ इनके साथ दिख रही है, किसी प्रत्याशी के साथ नजर नहीं आ रही है। आइए जनता से पूछते हैं किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के मामले में खड़े हो जाएंगे। मोबाइल हटाओ अपना, पीछे करो, पीछे की भाई, वो पीछे करो की भाई पीछे। उम्मीद तो हमें यह है कि जब तक अभी नहीं प्रत्याशी खड़े हुए, उम्मीद से पहले से हम लोगों का इतना साथ देते हैं, हर मामले में कोई भी मामला हो, लॉकडाउन लगा तो कैफ्यू लगा तो हर मामले में जनता के हित में हमेशा रहे। तो जनता ने इनको तमाम जोर दिया, हम लोगों ने आपस में मीटिंग करके आप खड़े हो जाओ बिना सबर सत्य, आप वो काम अंजाम दे रहे हो जो सबर सत आज तक अंजाम नहीं दे पाए, वो घरों में बैठे रहे और ये सड़कों पे आ निकल के और लोगों की जो हेल्प की मदद की तो और विष्णु रणदेवा ऐसी इन्होंने कहा फार्म भरे और उसे यकीन दिलाया कि अम्मा तुम्हारी पेंशन मैं कराऊंगा, नहीं हूँ तो मैं अपनी जेब से भी देने के लायक हूँ, मैं जेब से भी दे सकता हूँ। लॉकडाउन में लोग छुपे रहे घरों में और ये लोगों को हेल्प की, इन्होंने मदद की, इन्होंने तो नगर निगम का तो छोटा सा चुनाव है, इन्होंने बड़े बड़े काम अंजाम किए तो विधायक लोगों को अंजाम नहीं दे पाए, घरों में बैठे रहे, वो अपने एहतराम में लेटे रहे और ये जनता के लिए लगे रहे, इसलिए जनता ने इनको जोड़ दिया कि हनीस खान आप मैदान में आइए और सपा सत्ता इलेक्शन आप लड़िए और आपको कामयाबी दिलवाएंगे। अब हमें उम्मीद है कि हनीस खान खुद इतने कामयाब हैं, ये इतने एक्टिव हैं काम कराने में, हम नहीं कहेंगे ये नहीं करेंगे, हम करें, ये खुद इतने एक्टिव हैं कि हर काम को अंजाम देंगे। कैमरा चल गया, काम तो पहले से ही कर रहे हैं, जल पहले ही के लिए खड़ा किया है और ये खूब काम करेंगे। आप बताइए, आप युवा लड़के हैं, क्या जनता का इस पे भरोसा, आप लोगों का युवाओं का भरोसा है कि भाई भाई जो है क्षेत्र के अंदर वो क्या है जो उसको पूरा करेंगे? पहली चीज नाली, सीवर लाइन, बहुत सारी कमियां हैं तो ये पूरी करेंगे। क्या पूर्व पार्षदों द्वारा इस क्षेत्र में विकास का कार्य नहीं करा गया है?
हुआ है और इन्हें जनता ने ही चुना है और लोगों ने जो हमारी नई आवाम है उसने इन्हें खुद खड़ा किया है कि आप आगे बढ़ें। ये बहुत सारे लोगों काम में आते हैं, हर चीज़ में इन्होंने सहयोग दिया है तो इसमें भी हम इन्हें सहयोग करेंगे कि बाद में अपने वार्ड को सहयोग देंगे। इस समय हम मौजूद हैं नगर निगम के, जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, जगह जगह क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां जमीनी स्तर पे हमने रिपोर्ट देखने को मिली, क्षेत्र के अंदर पार्षद तो बहुत खड़े हो रहे हैं, विकास की और मुद्दे की चर्चा के पे बात तो करते हैं लेकिन चर्चा पे मुद्दे पे खड़े उतरते हैं, इस चीज की जानकारी लेंगे वार्ड नंबर 76 पे से जो अनिस खां है और एक प्रत्याशी के रूप में उतर कर आए। जमीनी स्तर पे जानकारी लेने को देखने को मिली कि पब्लिक इनके साथ बड़ा ही उत्साह के साथ पब्लिक चल रही थी और जनता के बयान भी लिए गए जहां जनता ने इनको पूरी तरीके से समर्थन करा है, लेकिन आने वाले चुनाव के मद्देनजर देखते हैं कि ये चुनाव में ये वोट बैंक में ये जनता तब्दील होगी। और आइए इससे विशेष चर्चा करते हैं अनिस भाई से कि ये जनता इन पर कितना भरोसा करती है और जनता के प्रति इनका क्या भरोसा है। जी नमस्कार सर। अनिल भाई ये बताइए, क्षेत्र में बहुत से पार्षद चुनाव जीतने के बाद जाते हैं लेकिन क्षेत्र में विकास का कार्य खाली मुद्दों के नाम पे रह जाता है, क्षेत्र में विकास क्यों नहीं होता है? देखिए क्षेत्र में विकास इसलिए नहीं होता कि जो जो भी मेरे ये पिछले रह चुके हैं सदस्य ये कभी काम को उन्होंने अंजाम नहीं दिया। जब तक मैंने जाती थी कहती थी ये काम मेरा करा दिए, नाली कराया जैसे सीवर कराया, बहुत से काम अपनी समस्याएँ लेके जाते थे जनता जो है सभासद का। तो सभासद का यही कहना था कि हाँ अभी यहाँ तक कहता है कि एक छोटी सी मोदी अगर लगवानी पड़ रही है तो वो ऐसा अभी वो आ जाए फलाना आ जाए ऐसा डिस्का के वो मतलब एक मोर के लिए जनता को तीन तीन बार चक्कर काटना पड़ता है सभासदों का नहीं। इसलिए जो जनता खुद इन लोगों से इतनी आजिश आ गई है कि काम के नाम पर कोई उन्होंने काम करा के नहीं दिया। अब जनता का खुद कहना हम उससे भी कहा जनता ने मेरे वार्डवासियों ने कि अभी आप कर लीजिएगा आप सहयोग देंगे और वही मैं सहयोग देखने को मुझे मिल गया। मेरे साथ और सारे वार्डवासी मेरे साथ जुड़े भी हैं, मेरे वार्डवासी लिया है और उस प्यार भावना का जनता का पिछले पाँच लोगों का बहुत अच्छा पार्षद का जैसे आपको सूझा आज के मुझे पार्षद का चुनाव लड़ना है, जनता ने आपको आगे करा, क्या आपने अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्य भी करे हैं जो पार्षद से हटके होते हैं? जी ऐसा 2008-10 से मैं इसमें सामाजिक उसमें सबसे पहले तो अपने काम है उसके जरिए मैं जनता के बीच में जब उतर अपनी लाइटों का समस्या मैंने बहुत दूर करी लोगों की जिस लाइट था मैंने जो जनता के बीच में मैं करा सकता था वो मैंने कराया। इसीलिए जनता को ये विश्वास इसलिए मेरे पर जा गया है कि जब मैं विद्युत विभाग न्यूज के माध्यम से आप देख रहे थे अनिस खां जो बिजली का बल्ब लेकर आए हैं और इस रोशनी के साथ अंधेरों को मिटाते हुए घरों में रोशनी जगाएंगे और आने वाले समय में जब पार्षद बनकर आएंगे तो जनता के हर विचार पे हर तकलीफ पे हर परेशानी और हर पीड़ा पे कार्य करेंगे और जनता के लिए खड़े उतर के आएंगे। कैमरामैन मोहसिन रजा के साथ तकी रजा, बरेली एक्सप्रेस न्यूज़ भारत।